साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच आज की कोर्ट अपडेट के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ की कोर्ट नंबर एक में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पासिंग मार्क प्रकरण की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित सुनवाई आज हुई। साथियों, टीम अपनी सदी हुई रणनीति के तहत पूरे पैनल के साथ समय से कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर उपस्थित रही। इलाहाबाद का जाना माना चेहरा सीनियर मोस्ट एडवोकेट एचएन सिंह साहब कल से ही लखनऊ में डटे हुए हैं अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी साहब के साथ में। साथियों, फायर ब्रांड एडवोकेट जिन्हें विरोधी फायर ब्रिगेड के नाम से भी जानते हैं और विरोधियों की जुबान पे जिनका नाम हर समय रहता है, जिनका खौफ हर समय देखने को मिलता है, ऐसे एडवोकेट उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब और जिनकी रणनीति, जिनकी कुशल कारीगरी और जिनकी पूरी की पूरी प्लानिंग के ऊपर विरोधी भी खौफ खाते हैं, ऐसे विधि चाणक के अमित भदौरिया साहब, राहुल सिंह साहब के साथ पूरा का पूरा टीम का पैनल समय से कोर्ट रूम में उपस्थित रहा, मौजूद रहा। साथियों, आपको पहले से ही पता है, आपको पहले से ही जानकारी है कि टीम अपनी रणनीति के तहत ही स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम आगे बढ़ती है और उसी रणनीति का एक हिस्सा था कि हमने कल ऑब्जेक्शन दाखिल किया था। ऑब्जेक्शन कुल 5 बिंदुओं पे था। ऑब्जेक्शन दाखिल होने से पहले विरोधी तमाम प्रकार के पोस्ट, तमाम प्रकार के कमेंट वायरल कर रहे थे और ऑब्जेक्शन की कॉपी कल जैसे ही रिसीव हुई उसके बाद से हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन में कुछ ऐसा है जो तोते उड़ा देगा और तोते उनके ऐसे उड़े कि मुझे जो जानकारी है, आपको भी जानकारी है कि रात भर मीटिंगों का दौर चलता रहा, रात भर वकीलों से वकीलों का संपर्क होते रहे विरोधी खेमे में और उसके बावजूद भी आज वह जब आए तो समय मांगते हुए दिखे। सुबह उनकी पोस्टें चल रही थी कि हम आज जाएंगे और समय मांगने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्शन हमने दाखिल किया है उसका जवाब नहीं है उनके पास में, उनका कोई काट नहीं है, उनका कोई तोड़ नहीं है। पासिंग मार्क कितना होगा? अरे साहब, ये बाद की बातें हैं, पहले या तो तय हो जाए आप होते कौन हो कोर्ट में आने वाले, हम आपके हैं कौन, हमसे आपका रिश्ता क्या है, पहले या तो तय हो जाए। साथियों, आपका लोकस क्या बनता है इस विषय पे, आपका ग्रीवांस क्या बनता है इस विषय पे, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको अगर एक पॉइंट बताऊं उस ऑब्जेक्शन का, तो एक पॉइंट यह भी है कि एक वकील जो पिछली बार सिंगल बेंच में जब लगातार सुनवाइयां हो रही थी तो सरकार की तरफ से वकील था, सरकार की तरफ से बराबर बहस कर रहे थे, और उसके बाद जो इंटरवेनर थे, इंटरवेनर स्पेशल अपील लेके जाते हैं और वही वकील सेम केस में सेम जजमेंट में सरकार की जानकारियां चुरा के, सरकार से जानकारियां लेके, क्योंकि इंटरवेनर का मतलब होता है साइलेंट, एक प्रकार का मूक दर्शक, और जितनी जिम्मेदारी और जितनी जवाबदेही इंटरवेनर के प्रति हमारी होती है उतनी ही जिम्मेदारी और उतनी ही जवाबदेही इंटरवेनर के प्रति सिंगल बेंच में सरकार की भी थी, और उस इंटरवेनर को आप यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डबल बेंच में, नहीं हो सकता। वकालत के पैसे के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, वकालत के पैसे के भी कुछ नियम होते हैं और कोर्ट की भी कुछ गरिमा होती है, वकालत की भी कुछ गरिमा होती है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, और इस बात का कोई भी जवाब नहीं है। बात तो तब होगी जब आप आओगे दो दो हाथ करने। आज ही हम चाह रहे थे बहस करना हमारी तरफ से, उपेंद्र मिश्रा साहब चीख चीख के कोर्ट में कह रहे थे आज आप आओ और बहस करो, क्यों लंबा खींचना चाह रहे हो? आपने टाइम ले लिया तैयारी करने के लिए, आपने टाइम ले लिया विरोधियों की तरफ से, अनिल तिवारी साहब ने टाइम मांगा, अनिल तिवारी साहब ने, मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, उन्होंने टाइम मांगा और यह कहते हुए कि हमने अभी स्टडी नहीं किया, हमने अभी देखा नहीं, हम अभी इसको देखेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद हम इस पे तैयारी के साथ आएंगे, तब हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा लोकस बनता है, किस प्रकार से उनका ग्रीवांस बनता है। साथियों, हमने पहले भी यह साबित किया है, सिंगल बेंच में भी यह साबित किया है कि इन लोगों का ग्रीवांस नहीं बनता है, इन लोगों का लोकस नहीं बनता है, क्योंकि यह अगर 60-65 पे पास तो 40-45 पर भी पास है,
अब अगर भारांक से दिक्कत है तो भारांक सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को दिया था, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां भर्ती होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से करा के लेके आइए, वो बाद की बातें हैं। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली एक कहावत आज देखने को मिली, जब कुछ नहीं हुआ विरोधी भागते रहे। एक बात निकल के आई, एक कोई पोस्ट कर रहा था, मुझे कई फोन आए, लोगों ने बताया कि स्टे हो गया या स्टेटस को हो गया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताता हूं कि विरोधियों की तरफ से स्टे होना तो दूर छोड़िए, आज कोर्ट में स्टे की मांग तक उन्होंने नहीं की, और स्टे की मांग कर भी कैसे सकते थे, पहले यह तो साबित हो कि आप हो कौन। स्टेटस को कि आप मांग तो तब करोगे कि आप पहले यह साबित करो कि आपका भी लोकस बनता है कि नहीं बनता है। फर्जी में आप मुंह उठा के चले आए कोर्ट में, जिसका मर्जी हुआ चला आएगा कोर्ट में, आप होते कौन है, आप तो पास है। साथियों, हम पहले भी साबित कर चुके हैं कि आपका लोकस नहीं बनता है, हम पहले भी साबित कर चुके हैं कि आप गलत हो, आप पास हो, आपको भी नौकरी मिलेगी, हमें भी नौकरी मिलेगी, अब भर्ती को हो जाने दिया जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं है। सरकार यदि चाहे तो कल भी रिजल्ट जारी कर सकती है, सरकार यदि चाहे तो 20 तारीख को भी जारी कर सकती है, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, 30 को, जब भी जिस तारीख को भी वो चाहे उस तारीख को रिजल्ट जारी करने के लिए स्वतंत्र है। शाम को ऑर्डर आएगा, आप ऑर्डर में स्पष्ट लिखा होगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की स्टे जैसी कोई बात नहीं है, मैं वहां पे कोर्ट रूम के अंदर स्वयं मौजूद रहा, हमारे वकीलों से इस विषय पे भी बाद में भी चर्चा की, किसी भी प्रकार के आप अफवाहों से बचे रहें। और एक बात हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि बात बात पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमसे आप ऑडियो, हमसे आप पोस्ट की अपेक्षा मत करें, क्योंकि हम काम करते हैं और जो काम करता है वह हर मिनट मिनट के ऊपर आपको अपडेट नहीं दे पाएगा। हमारे पास में और बहुत ज़रूरी और बहुत अन्य काम हैं जिनको ज्यादा जरूरी है ऑडियो और सोशल मीडिया के ऊपर उपलब्ध रहने के बजाय, जिससे कि हमारा और आपका भविष्य सुरक्षित और संरक्षित हो सकता है। साथियों, हमारी टीम अगर आज अजय योद्धा के रूप में कायम है, हमारी टीम ने अगर आज लगातार स्टेप बाय स्टेप लगातार अगर कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि हम लगातार लगन से लगे रहते हैं, हम अपने काम के ऊपर फोकस रखते हैं, हम किसी भी प्रकार के विरोधियों के कमेंट और किसी भी प्रकार के अपने सहयोगियों के कमेंट के ऊपर कोई भी कमेंट हम करना गवारा नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। और हम आपको बता दें एक बात, मैं और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब जब इतिहास लिखा गया है, जब जब इतिहास बना है, जब जब कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, जब जब कोई बड़ी क्रांति आई है, तब तब दो तरफ से वार झेलने वाले लोग जो कामयाबी का इतिहास लिखे हैं वही कामयाब हुए हैं और वही इतिहास में अजर अमर हैं, वही आज पहचान जाते हैं कि हमें भरोसा है कि हम मंजिल को बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्द प्राप्त कर लेंगे। हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि टीम ने हमेशा करके दिखाया है, आप टीम के भरोसे पे भरोसा कर लो, आप टीम के विश्वास पे विश्वास कर लो, हमने जो सपना देखा है उस सपने के ऊपर आप एतबार करो और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आप खड़े हो जाओ। एक अकेला सिपाही अगर मैदान में डटा है और वह विरोधियों को लगातार मात दे रहा है, अगर हमारे पीछे पूरे प्रदेश का हुजूम आ जाएगा तो जाहिर सी बात है मिनट भी नहीं लगेगा सफाया करने में। आज जिस प्रकार से विरोधी भागा है, जिस प्रकार से विरोधियों ने अपना बोरिया बिस्तर लपेटा है कोर्ट रूम से, वह आज आपने भी देखा, जो कोर्ट रूम में पक्ष विपक्ष के लोग थे वो सभी ने देखा, वानगी आज हमने प्रस्तुत कर दी है, बाकी आप समझदार। जो भी सूचनाएं होंगी सोशल मीडिया पे आप अपेक्षा न करें कि हम किसी भी कमेंट का जवाब आपके दे पाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम कोई भी ऑडियो नहीं जारी कर पाएंगे, हमारी आदत और हमारी फितरत में इतना हल्कापन नहीं है, उतावलापन नहीं है। जो उतावला है, जो लोग उतावलेपन में ऐसी पोस्ट और ऐसे कमेंट करते हैं, उनको उनका उतावलापन मुबारक हो, उनके उनके ऑडियो उनके मुबारक हो जो उतावलेपन में ऑडियो डालते हैं, लेकिन आप हमसे कतई किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना करें कि हम किसी भी प्रकार का कमेंट समय समय पर आपको दे पाएंगे। और हमारी पोस्ट को एडिट करने का एक प्रचलन चल गया है, जिससे भी आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आप मस्त रहें, दुरुस्त रहें, अपने
आप केवल इतना सोच सकते हैं कि आपके लिए एक टीम है जो प्रयास कर रही है, आप अपने हिस्से का काम करिए और अपने परिवार के साथ अपने सुकून के पल बिताइए। आपके उन सुकून के पलों के बदले में, इस भरी दोपहर में, इस भरी तपन में कुछ लोग हैं जो आज भी डटे हुए हैं लखनऊ की 45 डिग्री के टेम्परेचर में। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इसी के साथ आपका संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी, जय हिंद।